मसल मेनिया 2017 में जीता था। यंगेस्ट एथलीट हूँ मैं, 18 ईयर्स ओल्ड था जब मैं मसल मेनिया जीता था। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा और मेरे साथ आज मेरा स्पेशल दोस्त है और ये वीडियो भी करीब 4-5 दिन बाद हम बना रहे हैं। तो अखिलद मेरे साथ में है। अखिलद एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है और आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको इसका इंस्टाग्राम आईडी बता दूंगा और आप इसको फॉलो करें। और सबसे अच्छी चीज़, बॉडी बिल्डर्स तो बहुत सारे आते हैं बट अखिलद एक कंपटीशन जीता हुआ है जिसको मसल मेनिया बोलते हैं। मसल मेनिया बोलते हैं, जो कि इंडिया के बाहर यूएस में होता है। और किस कैटेगरी में थे, कब जीते थे, जरा व्यूअर्स को बताओ। सर मसल मेनिया 2017 में जीता था। यंगेस्ट एथलीट हूँ मैं, 18 ईयर्स ओल्ड था जब मैं मसल मेनिया जीता था। और अच्छा लोग स्टोरी बतानी है कि 18 साल का लड़का मसल मेनिया जीत के आता है। हाँ, यंगेस्ट एथलीट था जब मसल मेनिया जीता था। तो अचानक से 18 साल कैसे पहुंच गया? 18 साल के बच्चे को तो घूमने फिरने का शौक होता है ना। सर स्टार्टिंग से काफी मोटा था पहले तो मैं, फिर वही तो 15 ईयर्स का था तो सोचा जिम स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट किया तो एक गोल सेट किया माइंड में कि बिल्कुल पतला होना है पहले, फिर वो किया, अचीव किया गोल। उसके बाद फिर लोग बोलने लगे कम्पीट कर सकता है, कर ले फिर प्रिपेयर किया 2-3 साल। 2017 में फर्स्ट टाइम कम्पीट किया और फिर मैं मसल मेनिया जीता। पेरेंट्स से क्या कहना था कि कॉलेज जाना है या मसल मेनिया लड़ने जाना है? स्टार्टिंग में सर प्रॉब्लम होता था, मना करते थे घर वाले, जैसे कि सभी के मना करते हैं तो वही इशूज थे। उन्होंने देखा डेडिकेशन है, कोई चीज एक चीज ध्यान से कर रहा है तो धीरे धीरे वो भी सपोर्ट करते गए, फिर खुद ही सब अच्छा होता चला गया। आज इसको करते हुए कितने 6-7 साल हो गए? हाँ सर, अराउंड 6 इयर्स हो गए। और अखिलद को पूरे इंडिया में सारे लोग जानते हैं और ये फिर अपनी तैयारी कर रहा है। कौन से साल के लिए तैयारी? मसल मेनिया एशिया की। तो मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि अखिलद को ट्रेवल करके उससे आप डाइट पूछें या दूसरी चीज़ें पूछें, क्योंकि अभी खुद की तैयारी कर रहा है। बट जिसको कोई भी क्वेरी हो इस इंस्टाग्राम पेज पे जाके इससे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। और ये मेरे पास क्यों आ रहा है, सब जानते ही है कि जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा तोड़ फोड़ भी वही करते हैं, तो सबके थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होता ही है। अखिलद ने भी देखा कि उसके कहीं ना कहीं स्कैपुला यानी कि पीठ के पीछे एक मसल का कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा कम था, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी उस तरफ कम लग रही थी। हम वो अखिलद अब कम से कम 8-9 सेशन है, करीब 2-1.5 महीने से हमारे पास वंस अ वीक आ रहा है। और क्या इम्प्रूवमेंट मिला है, कोई फायदा है, कितना है, क्या है, वो बता दो। हाँ जी, काफ़ी हद तक रिकवरी हुई है। मेरे को 60-70% बेटर लग रही है इंजरी अपनी। ना प्रॉब्लम ये हो रहा था, इम्बैलेंस हो रहा था, मैं कोई भी वर्कआउट कर रहा था तो मेरा एक हाथ ज़्यादा ऊपर जा रहा था और लेफ्ट वाले हाथ से फोर्स कम लग रहा था, तो काफ़ी हद तक बेटर हुआ है और सर ने काफ़ी हेल्प की है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई इंजरी है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार ज़रूर आएँ। और सर इंजरी से पहले आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। इंजरी से पहले आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, तो और अखिलद एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अखिलद उतना ही अवेयर भी रहता है, एजुकेटेड भी रहता है प्रॉब्लम्स और इन सब चीज़ों की। उससे अनलेस बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आते हैं सिर्फ यही बोलते हैं कि मेरी एल्बो में पेन है, मेरी शोल्डर में पेन है, बट कैसे एक्सरसाइज करते हैं, क्या फॉर्म होनी चाहिए, जब तक कि आपको सही करने का तरीका नहीं पता तो इंजरीज होती रहेंगी और फॉर्म ठीक करने से ही चीज़ें बेटर होंगी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अखिलद मेरे पास आता है और अंडरस्टैंड भी करता है और उस पर उतना ही हार्ड वर्क कर रहा है। मुझे हर वीक आके बताता है कि मैंने ये चीज़ इस तरह से की, अब मुझे ऐसा ये फील हो रहा है, जो कि हम ज़्यादातर एथलीट्स में नहीं फॉलो अप कर पाते। तो सर काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है एथलीट्स के लिए चेकअप्स कराना, या जैसे आप हो गए, आपको इतनी अच्छी नॉलेज है हर चीज़ हुई तो कंसल्ट करना टाइम टू टाइम। बहुत अच्छी नॉलेज है ये, जितने लोगों को बताता हूँ मैं यही बोलता हूँ बहुत अच्छी नॉलेज है, जरूर जाओ एक बार, एक बार जरूर जाओ, फिर आप जाओगे। तो ऐसी कोई नॉलेज नहीं है, हम बस एक चीज रिपीट करते रहते हैं और पेशेंट्स को देख के ट्रीट करते करते ही सीख जाते हैं। आ जाओ अखिलद, अब मैं आपका एडजस्टमेंट करता हूँ। ये एरिया है जहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा कम है और ये सब रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज बोलते हैं। रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज जब हम एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते रहते हैं, एक मसल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बॉडी बिल्डर्स में आप देखिए कुछ भी यूज़ होगा, आप कुछ भी करें, आपका ये पार्ट हमेशा इन्वॉल्व रहता है, हर चीज़ में चलता है, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, शोल्डर, आप कुछ भी करें तो उसमें ही चलता ही रहता है। और आप स्क्वाट कर रहे होते हैं तब भी आपके शोल्डर्स पे वेट रहता है। सो ये हमेशा स्ट्रेन में रहते हैं, इसकी मोबिलिटी काफ़ी कम होने लग जाती है, मसल वीक होने लग जाती है। और ज़्यादातर प्रोफेशनल्स में आप ये देखने लग जाते हैं एक टाइम की एक्सरसाइज के बाद कि एक मसल दूसरे मसल के साथ उतना सिंक्रोनाइज नहीं करता जितना कि उसको आइडियली करना चाहिए। और हम ये इंटरनेशनल लेवल पे भी देखते हैं, ओलंपिया लेवल पे भी देखते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है उसके। कई बार कारण उसके पाँव भी होते हैं। हमने अखिलाद के साथ भी हमने यही ऑब्जर्व किया कि इसके हाई आर्चेज हैं, तो हाई आर्चेज को तो हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि इसका लेटरल एलिवेशन नहीं था, बट इसके जो पाँव अंदर प्रोनेशन पड़ रहे थे उसको ठीक करने के लिए हमने इंसोल दी है। अब मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ, इजी ब्रीथ आउट, ज्वाइन करेंगे बेहतर। Easy. Okay, one more time. Nice. Who's there? Muscle activation में ठीक चल रहा है। और मैं या फिर तक मतलब खुलने लगी है ठीक ठाक। बाकी अब स्ट्रेच हो रहा है, बच्चा ध्यान दे रहा है। आह, nice. See that? Easy, easy, relax, easy, one more, ये क्या पहना हुआ है आपने? सर बैंड है जिम की एंट्री के लिए। ओह, फोटो भी डालता हूँ, लोग पूछते हैं कौन सी वॉच है। तो अखिलत के पास वॉच नहीं पहन रहा है, ये बैंड है, इसकी वॉच अपने आप टाइम बना लेता है ना। क्या टाइम हुआ है। तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा बहुत अखिलत के बारे में और इसका दोस्त तुषार जो मेरे पास में आता है। इनकी बहुत सारे लोग आते हैं बॉडी बिल्डर होने के बावजूद भी, ये दोनों सबसे ज्यादा काम है, राइट, सबसे ज्यादा काम है। हमारे नॉर्मल आदमी भी आते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स भी आते हैं, आप उनमें एक एग्रेसिवनेस देखते हैं अखिलत के अंदर, तुषार के अंदर, वो यानी कि आपको लगेगा भी नहीं कि ये उस तरह के एग्रेसिव लोग हैं या एग्रेसिव बिहेवियर है। कहीं ना कहीं स्टेरॉइड से एग्रेसिव बिहेवियर कई लोगों में नजर आता है, बट आई एम हैप्पी कि इन दोनों में वो बहुत ज़्यादा कामनेस है। कामनेस आपको फोकस करने में हेल्प करता है कंपेयर टू दी एग्रेसिवनेस, जो मेरे बहुत सारे दोस्तों में भी है और मुझ में भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अखिलत को ज़रूर फॉलो करें और मेरे भी इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। पर्पस आप तक कुछ ना कुछ एजुकेशनल नॉलेज शेयर करने का ही रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।